हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्फेरिकल मिरर की आपके पास में एक वीडियो सेंड करी थी। उस के अंदर मैंने आप लोगों को स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ मैंने इम्पोर्टेंट टर्म्स बताई थी कि जो स्फेरिकल जो मिरर जो होता है, स्फेरिकल जो मिरर जो होता है, बेसिकली वो बना हुआ होता है हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का। किसका बना होता है? हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास का। अब जो हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास है, उसका जो सेंटर जो पॉइंट जो होता है, उसका जो सेंटर जो होता है, उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स, मान लो मैंने एक हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास मैंने ये बना दिया। अब ये जो हॉलो स्फेयर ऑफ द जो ग्लास है, हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास है, इसका ये वाला जो सेंटर जो पॉइंट है, इस सेंटर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास को अगर मैं इस सेंटर से अगर मैं इसे इक्वल एपर्चर में डिवाइड कर दूं, तो मुझे दो इक्वल कर्वेचर मिलेंगे। एक कर्वेचर तो मुझे ये वाला मिलेगा और एक कर्वेचर मिलेगा मेरे पास में ये वाले मिलेंगे, ये वाला कर्वेचर मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ग्लास बनाने के लिए हमारी जो एक जो सा वन जो साइड जो होती है वन जो साइड जो होती है वन जो साइड जो होती है हाईली पॉलिश्ड होती है, जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरी जो साइड जो होती है वो सिल्वर और एल्यूमिनियम कोटेड होती है, सिल्वर और एल्यूमिनियम कोटेड। तो मैंने बेसिकली क्या करा कि जो जो हमारे पास में जो हॉलो स्फेयर ऑफ जो ग्लास है, उसके दो इक्वल पार्ट्स बना दिए। फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने उसको काट करके, सेंटर पॉइंट से काट करके, तो दो इक्वल एपर्चर के हमारे पास में ग्लास मिल गए, स्फेरिकल ग्लास मिल गए। कौन से ग्लास मिल गए? स्फेरिकल ग्लास मिल गए। अब वो जो स्फेरिकल जो ग्लास है, ये वाला जो स्फेरिकल जो ग्लास जो हमें जो मिला, ये वाला जो स्फेरिकल जो ग्लास जो मिला, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ बना दिया। तो इसका जो इसकी जो वन जो साइड है, मैंने क्या कर दी, इस वाली साइड को मैंने क्या कर दिया, सिल्वर और एल्यूमिनियम कोटेड कर दिया एम, और इसको नाम दे दिया मैंने एम डैश। और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये तो होगी हमारी कौन सी साइड हो गई? बैक साइड हो गई। और ये वाली जो साइड है, ये हमारी कौन सी साइड हो गई? फ्रंट साइड। फ्रंट जो साइड है ये कैसी है हमारी? हाईली पॉलिश्ड एंड कैसी है? हाईली पॉलिश्ड एंड कैसी है? स्मूथ है। हाईली पॉलिश्ड एंड कैसी है स्टूडेंट्स? स्मूथ है। तो मैंने आप लोगों को क्लासेस में बताया था कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस से टेक प्लेस होता है। तो जो हाईली पॉलिश्ड और जो स्मूथ जो सरफेस है, हाईली पॉलिश्ड और जो स्मूथ जो सरफेस है, मैं इसको स्मूथ ना कह करके मैं ये कहूँगा कि ये हाईली पॉलिश तो है, हाईली पॉलिश्ड है, बट ये कर्वेचर है इसका पोर्शन जो है ना, ये जो फ्रंट जो साइड है इसकी, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड जो मैंने दिखा रखी है, इसमें ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली क्या है? कर्व्ड है। कैसी है? कर्व। ये वाला जो सरफेस है, इस वाला जो सरफेस जो होता है, इस सरफेस को हम बोलते हैं, ये वाला जो सरफेस जो होता है, इस सरफेस को हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस बोलते हैं।
अब आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट पर, एम, और ये क्या हो गया, एम डैश हो गया। अगर देखो मैंने इस साइड को पॉलिश, इस साइड को मैंने सिल्वर एल्यूमिनियम कोटेड कर दिया था, अगर मैं इस साइड को अगर मैं सिल्वर एल्यूमिनियम कोटेड कर दूं, क्या इसमें और इसमें डिफरेंस होगा? कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये वाली साइड हमारी कैसी हो जाएगी, हाईली पॉलिश्ड हो जाएगी। अब ये भी बेंट इन इनवर्ड सरफेस है, ये भी बेंट इनवर्ड सरफेस, मतलब ये भी कॉनकेव सरफेस है और ये भी कॉनकेव सरफेस है, तो हमारे पास में सेम काइंड के मिरर मिलेंगे। बट हम चाहते हैं कि मान लो अगर मैं इस वाली साइड को अगर मैं क्या कर देता हूँ, हाईली क्या कर देता हूँ, इस वाली साइड को, ये वाली जो साइड है एम और एम डैश की, इस साइड को अगर मैं बैक साइड कंसीडर कर लूँ। क्यों बैक साइड कंसीडर करूँगा? क्योंकि मैंने उसको सिल्वर एल्यूमिनियम कोटेड कर दिया, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन जो टेक प्लेस जो होगा वो इधर साइड से होगा, ये इसकी फ्रंट साइड होगी। कैसी साइड होगी? फ्रंट साइड होगी। इस सरफेस को हम बोलते हैं, इस वाले सरफेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना? ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, की पॉइंट्स ध्यान सुनना। इफ द पहला पॉइंट्स है हमारे पास में, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम द कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक फ्रॉम द कॉनकेव सरफेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम द कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आपने स्पून देखी होगी स्टूडेंट्स, स्पून का जो बाहर वाला जो पोर्शन जो होता है, बाहर वाला जो पोर्शन जो होता है, बल्गिंग जो आउटवर्ड वाला जो सरफेस जो होता है, बल्गिंग आउटवर्ड जो सरफेस जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्पून यहाँ पर बना रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारी स्पून है, तो इस स्पून के दो सरफेस हैं, एक सरफेस तो ये वाला है और एक सरफेस है हमारे ये वाला। ये वाला जो सरफेस है ये बल्गिंग बल्गिंग आउटवर्ड है। कैसा है? बल्गिंग आउटवार्ड है। और ये वाला क्या है? बेंट इन वार्ड है। तो जो बल्गिंग जो आउटवार्ड वाला जो सरफेस जो होता है, उस सरफेस को हम बोलते हैं कॉन वैक्स सरफेस बोलते हैं, और इस जो बेंट इन वार्ड वाला जो सरफेस जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास में दो तरीके के मिरर होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। स्फेरिकल जो मिरर हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लाइट का रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से हो तो मिरर जो कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। एम, और ये क्या हो गया? एम डैश। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, मतलब ये स्फेरिकल ग्लास था, ये स्फेरिकल ग्लास था, इस स्फेरिकल साइड, स्फेरिकल की इस वाली साइड को मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया सिल्वर और एल्यूमिनियम कोटेड कर दिया। तो मेरे पास में लाइट का रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस से होगा, इस वाले सरफेस से होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। तो जो हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट जो मिलेगा, होलो द स्फेयर जो ग्लास का
जो हमें एक जो ऑब्जेक्ट जो मिलेगा जिससे लाइट का हम रिफ्लेक्शन कराएंगे कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव सरफेस से, उस मिरर को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, उस मिरर को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, उस मिरर को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब हमारे पास में आ जाता है दूसरा मिरर, आता है हमारे पास में दूसरा मिरर कौन सा है हमारे पास में, कॉनवेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनवेक्स मिरर। तो ये अब मुझे ये वाला पोर्शन लेना है, मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब कहने मतलब क्या है कि मैंने स्फेरिकल स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट ले लिया, ये उस स्फेरिकल ग्लास का क्या है एक सेंटर है सी, और मैंने इस वाली साइड को मैंने क्या कर दिया सिल्वर और क्या कर दिया एल्यूमिनियम कोटेड कर दिया। तो ये वाला, ये इस साइड से हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, इस सरफेस को अभी बताया था मैंने, इस वाले सरफेस को हम बोलते हैं कॉनवेक्स सरफेस। तो ये हमारा हो जाएगा कॉनवेक्स मिरर कहलाएगा। कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉनवेक्स मिरर, क्या कहलाएगा, कॉनवेक्स मिरर। तो हमें पता चल गया कि जो हमारे जो स्फेरिकल जो मिरर हैं, स्फेरिकल जो मिरर हैं बेसिकली हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास के बने हुए होते हैं, और उस हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास का जो सेंटर जो होता है उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि उस सेंटर से हम उस हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास को टू इक्वल एपर्चर में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें पास में दो पीसेज मैंने कंसीडर कर लिए स्फेरिकल ग्लास के, इसकी इस साइड को मैंने सिल्वर एल्यूमिनियम कोटेड कर दिया, तो लाइट का रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस से होगा, इस वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। तो ये मिरर कहलाएगा कौन सा, कॉनकेव मिरर। तो ये वाली साइड ले लिया।